छत्तीसगढ़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा में मुठभेड़ हुई। मारे गए नक्सलियों के शव समेत हथियार भी बरामद कर लिए गए। मारे गए नक्सलियों में एक डीवीसीएम कैडर का कंपनी कमांडर है, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। वही 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्व बस्तर डिवीजन इलाके में मुंगेड़ी गोबेल गांव के जंगल में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। मुखबिर की इसी सूचना के बाद दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर और कोडागांव जिले के डीआरजी और आईटीबीपी की टीम को मौके के लिए 6 तारीख को निकाला गया था। बताया जा रहा है कि करीब 1200 से ज्यादा जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। वहीं पुलिस और नक्सलियों के बीच में रुक रुक कर गोलीबारी होनी शुरू हुई। मिली जानकारी के मुताबिक जब मुठभेड़ खत्म हुई तो जवानों ने इलाके की सर्चिंग की, जिसमें 7 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए। दो दिन पहले 6 तारीख की रात को 4 जिलों की टीम, 4 जिलों की डीआरजी और बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और जगदलपुर, चारों की टीमें अलग अलग जगह से दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में गोबेल, इरपनार, भटबेड़ा के आसपास में नक्सलियों की सूचना पर गए थे। वहाँ पर कंपनी नंबर 6 और आमदई एरिया कमेटी, बारसूर एरिया कमेटी और अन्य सीनियर नक्सलियों की सूचना पर हम गए थे। तो घेराबंदी किया और मुठभेड़ चली। कल दिन भर मुठभेड़ चली रुक रुक कर, और शाम में जब सर्च किया गया तो 7 वर्दीधारी नक्सलियों के हथियार में शव बरामद हुए हैं। और टीम अभी भी जंगल में है, बाहर नहीं आई है। बाकी जानकारी टीम के आने के बाद दी जाएगी।